गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी एक दिन में 400 सौ फलस्ती शहीदा इसराइल की गजा पर मुसलसल 24 घंटे जारी बमबारी में शहीद होने वाले फ़लस्ती की तादाद 400 हो गई जिसके बाईस सात अक्टूबर से होने वाली झड़पों में मजमू तादाद चार हजार छह सौ से भी तजावुज कर दे आलमी खबर रस्ां इदारे के मुताबिक इसराइल ने गज़ा के इलाके अल्जला के पना कैंप को निशाना बनाया इस इलाक़े में एक अस्पताल और एक तारीख़ी मस्जिद भी बम्बारी में मस्मार हो चुकी है अलजबिला में इसराइली बम्बारी को बिलातातुल चौबीस घंटे हो गए जिसके दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनीों की तादाद चार सौ हो गई जबकि एक सौ से जायद जख़्मी है अलकुद्स और अलशफ़ा अस्पताल तबाह हो गए सात अक्टूबर से इसराइल की गज़ा पर बम्बारी में शहीद होने वालों की मजमू तादाद चार हजार सात सौ से बढ़ गई जबकि ज़ख्मियों की तादाद पन्द्रह हजार के क़रीब पहुंच गई इसी तरह मग़रबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई में दो फ़लस्तीनी नौजवान शहीद हो गए मग़रबी किनारे में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद दस से जायद हो गई गुज्त रोज़ इसराइल ने एक बार फिर गज़ा के शुमाली इलाक़ों से इनखिला के लिए उल्टीमेटम देते हुए कहा कि जो शहरी जनूबी ग़ज़ा मुंतकिल नहीं हुए उन्हें हमास का हामी का समझा जाएगा इसराइली फ़ौज ने धमकी दी थी कि शुमाली ग़ज़ा में अल्टीमेटम के बाद भी रह जाने वाले फ़लस्तीनी शहरियों को भी निशाना बनाया जाएगा शहरी हमास के लिए इंसानी ढाल न बने अरब टीवी को इंटरव्यू में फ़लस्ती हिलाल अहमर की तर्जुमानी अलफ़र्क़ ने बताया कि इसराइली फ़ौज मुसलसल ग़ज़ा पट्टी के अस्पतालों को खाली कराने की वार्निंग दे रही है और इसराइली तयारे ग़ज़ा के अस्पतालों के बिल्कुल करीब बमबारी कर रहे हैं वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइली बमबारी के दौरान 830 बच्चों समेत 1,500 हज़ार पाँच सौ अफ़राद लापता हैं और ख़दशा है लापता अफ़रा तबाहशदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं